रहिए UVN जीरो एट तराना से अर्पित बुड़ाना की रिपोर्ट। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के साथ ही बाढ़ आपदा का संकट भी गहराता है। इससे निजात दिलाने के लिए पुलिस कर्मियों, आमजनों एवं होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण शिविर स्थानीय जनपद पंचायत सभागृह हाल में रखा गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने व पीड़ितों की मदद करने के लिए किस प्रकार सहयोग या मदद की जा सके, इसका प्रशिक्षण व गुर सिखाए गए। उज्जैन से आई होमगार्ड PC अधिकारी रूबी यादव ने बताया। देखते रहिए UVN 08, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जी, लोकल रेस्पॉन्ड के लिए हमारी टीम 10 लोगों की टीम, 10 जवानों की टीम तैनात है हर तहसील में। उनके पास बाढ़ बचाव के उपकरण भी दिए गए हैं। हर तहसील में हमारा आगामी 5-7 हेतु बाढ़ बचाने के कैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप घरों में सामान से किस तरीके से आप बाढ़ से बच सकते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल आयोजित किए तराना। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 आपकी जो दल के हिसाब से 10 लोगों की यहाँ पर नियुक्ति है, लेकिन तराना एक ऐसा क्षेत्र है कि पूरा टापू में बसा हुआ है। अगर पानी आ जाता है, आपके जो बाढ़ नियंत्रण दल के जो टीम तैनात है वो यहीं पर रह जाएगी, आसपास अगर जो बाढ़ की स्थिति बनती है फिर वहाँ पर कैसे व्यवस्था होगी उनकी? इसीलिए हमने इनको ज़रूरी उपकरण जो हैं, संसाधन जो हैं, जिनसे बाढ़ बचाव में फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, तो वो उपकरण से ये सुसज्जित की गई है टीम जी। और बाकी तब उस तरीके की 1079 नंबर तुरंत जैसे ही हमारे पास आएगा तो हमारी एक टीम स्टैंड टू भी रहेगी उज्जैन से, जो तत्काल रिस्पॉन्ड करेगी और त्वरित रिस्पॉन्ड के लिए ये टीम इसीलिए तैनात की गई। आपके द्वारा और क्या जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ पर दल को? बाढ़ बचाव से किस तरीके से बचाया जा सकता है, हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे संसाधन होते हैं जिनसे जो हम फेंक देते हैं, जैसे बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल हैं, पीपे हैं और उसके बाद बांस की लकड़ियां हैं, जिनकी मदद से हम जिनको जोड़कर और भारी बारिश से कुछ समय के लिए कुछ घंटों तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसकी जानकारी सांप के दंश से कैसे बचा जाए, इन सभी की जानकारी, बाढ़ पानी से कोई व्यक्ति अगर डूब गया है तो उसे किस तरीके से होश में लाया जा सकता है, हार्ट अटैक अगर किसी को हुआ है तो किस तरीके से, तो फर्स्ट एड दुर्घटना के समय किस तरीके का फर्स्ट एड दिया जाए, हार्ट अटैक के समय किस तरीके से जो लोगों को बचा जाए, इस प्रकार की जानकारी हमने यहाँ पर तहसील के कर्मचारियों को और स्थानीय नागरिकों को दी। धन्यवाद।